श्री राम। आप लोगों ने मैंने जो अपलोड किया था शंकराचार्य के ऊपर वो जो वीडियो, वो आपने पूरा सीरीज देखे, वहाँ से हमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिला? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमको ये मिला कि हिंदुइज्म में 6 होते हैं क्या दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसफी, 6 दर्शन होते हैं। क्या क्या दर्शन, क्या क्या है? एक है न्याय, उसके बाद आता है वैशेषिक। ये सीक्वेंस, जैसे मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ वही सीक्वेंस में आप दर्शन अगर किसी दिन पढ़ना जाओगे तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना, इसी सीक्वेंस में ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? न्याय आएगा, उसके बाद आएगा वैशेषिक, उसके बाद आएगा आपका ये गीता, जिसमें सांख्य के ऊपर गीता, सांख्य दर्शन के ऊपर गीता लिखा हुआ है। ठीक है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन नंबर दो, नंबर तीन आ गया सांख्य, सांख्य के बाद आएगा आपका योग दर्शन आएगा, योग के बाद आएगा मीमांसा। ये जो मीमांसा, इसको कोई कोई पूर्व मीमांसा कहता है, और उसके बाद आएगा वेदांत, वेदांत मतलब उपनिषद, ये उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये हो गया आपके 6 दर्शन हिंदुइज्म में, यही है। और भी 3 दर्शन है, ये जो 6 दर्शन है इसको कहते हैं आस्तिक दर्शन, मतलब जो वेद से आया है। ठीक है, ये आ गया आपके आस्तिक दर्शन। 3 होते हैं नास्तिक दर्शन। ठीक है, एक है चार्वाक, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म, ये आते हैं ये आपके नास्तिक दर्शन। ठीक है, ये इनके बेस वेद नहीं है ये, लेकिन ये भी दर्शन हिंदू मतलब सनातन धर्म के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है। 6 हो गए आस्तिक दर्शन, क्या क्या? न्याय, उसके बाद आएगा वैशेषिक, उसके बाद आएगा सांख्य, उसके बाद आएगा योग, उसके बाद आएगा आपका पूर्व मीमांसा, उसके बाद आएगा उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये वेदांत क्या है? वेदांत है उपनिषद। उपनिषद 108 उपनिषद होते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य, उनके ऊपर मतलब 6 के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखे हैं, सॉरी 10 के ऊपर भाष्य लिखे हैं। ठीक है, ये मांडक के ये कथोपनिषद, ये चंदोग्य उपनिषद, ये सारे ऐसे करके 10 के ऊपर जो ये भाष्य लिखे हैं, यही बेसिकली, यही आपको इतना पढ़ लो आपको टोटल वेदांत का सार आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से वेदांत देख सकते हो। ठीक है, ये मतलब ये ऑथेंटिक ये सोर्स होगा, आप जाके उन्हीं से सुन के ये आप सीख सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 दर्शन। अच्छा, इस दर्शन के हिसाब से देख लेते हैं, इस दर्शन से हमें और क्या जानकारी मिलता है? 3 जानकारी हमें और मिलता है। क्या क्या जानकारी? ये शब्द थोड़ा आप ये सुन लो, उसके ये बाद में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक होता है निर्गुण निराकार, ठीक है, एक है ये सगुण साकार, ठीक है, और दूसरा होता है निर्गुण निराकार सगुण साकार, और दूसरा होता है सगुण निराकार। ठीक है, ये जितना हम शंकराचार्य जी को हमने जितना सुने, उनसे हमें क्या पता चला? न्याय दर्शन, ये सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन, इन सब में जो गॉड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये कैसे गॉड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है? ये दिया गया है, ये आपका हो गया, ये दिया गया है, ये सगुण निराकार ये गॉड, ये मतलब गॉड का ये ऐसे उन लोगों ने गॉड को ऐसे सोचे। ठीक है, सगुण निराकार। अच्छा, ये सबसे पहले जान लेते हैं, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, सबसे जान लेते हैं गुण क्या है। ये गुण जो बोलते हैं, गुण
ये गुण है क्या? फिर निराकार क्या है, साकार क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को आ रहा होगा, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ। ये गुण बेसिकली आपके अंदर, जैसे मान लो ऑनेस्टी, ठीक है, ये ऑनेस्टी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? जो कहते हो वही है गुण, ठीक है। मतलब ये जी जो आप दूसरे के अंदर फील कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ को देखने, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जो दूसरे के अंदर आप फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, फिजिकल, ये इस चीज़ का ये फिजिकल कोई मतलब ये एग्जिस्टेंस है नहीं, ठीक है, ये उसको कहते हैं गुण। ये वो बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, ये सुंदर जो हो गया, ये हो गया गुण, पाकीजा किस्म की औरत है, ये पाकीजा हो गया गुण, ठीक है। गुण गुण में ये एक्स्ट्रा ज्ञान आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये इसको कहते हैं गुण। अच्छा, गुण सगुण मतलब जिसके अंदर ये सब गुण है, निराकार मतलब जिसके कोई शेप एंड साइज नहीं है, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, निराकार आकार विहीन, मतलब उसका कोई फिजिकल शेप ही नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल शेप नहीं है कैसे हो गया, मतलब किसका फिजिकल शेप नहीं है? जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का क्या फिजिक, पाकीजा, पाकीजा का कौन सा फिजिकल, मतलब पाकीजा कोई आपको ड्राइंग करके दिखा सकता है? मेरे को ड्राइंग करके दिखा सकता है, हाँ ये है पाकीजा, कोई ये आपको ऑनेस्ट, मतलब वो बहुत ये ट्रूथफुल है, सच 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 बोलने वाला इंसान है, ये आपको कोई ड्राइंग करके सच बोलने वाला इंसान दिखा सकता है, ठीक है, वो मेहनत का आदमी है, मेहनत का कोई आपको ड्राइंग करके दिखा सकता है, या मेहनत का ये उसका कोई फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये मैं आपको वो ये बोल रहा था, ये हो गया आपका सगुण, मतलब जिसके अंदर गुण है लेकिन निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। ये आला ऐसे ही भगवान है, मतलब आला जो आला का कॉन्सेप्ट है, ये यही मतलब सगुण निराकार, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आला का ये है, आला और यो जो ये क्रिश्चियनिटी वालों का गॉड है, ये भी वही सगुण निराकार है, मतलब उनके अंदर गुण है, जैसे अल करीम, अल रहीम, अल रहमान और ना जाने क्या क्या, इनके अंदर ये सब चीजें हैं लेकिन उनका कोई फॉर्म नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वेदांत में लेकिन हमें क्या मिलता है? वेदांत, वेदांत में हमें मिलता है सगुण निराकार का, सॉरी सगुण साकार का और सगुण निराकार का, ठीक है, सगुण ये सॉरी निर्गुण निराकार, निर्गुण मतलब जिसके कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वही है परमात्मा, ठीक है, जिसके कोई गुण नहीं, जिसके कोई आपके आकार नहीं, ठीक है, वही है परमात्मा, ठीक है। जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ये सगुण साकार, सगुण निराकार माया के थ्रो सगुण साकार बनते हैं, ये इस पर वेदांत, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार आपका माया के थ्रो सगुण साकार बनते हैं। माया क्या है? वही माया है निर्गुण निराकार का की शक्ति, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये दो इनके थ्रो क्या बनते हैं? सगुण साकार बनते हैं। ये जो आपके ये फिलहाल के लिए इतना ये समझ के चलो, ठीक है, निर्गुण निराकार माया के थ्रो सगुण साकार बनते हैं, ठीक है। जब हम वेदांत डिस्कशन करने जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये जो निर्गुण निराकार माया के थ्रो कैसे सगुण साकार बनते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम वेदांत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम वहां तक पहुंचे नहीं, वहां तक वेदांत तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें न्याय दर्शन पढ़ना होगा, उसके बाद वैशेषिक पढ़ना होगा, उसके बाद सांख्य पढ़ना होगा, उसके बाद योग पढ़ना होगा, ये
इसी सीक्वेंस में ये डेवलप किया गया है, इसी सीक्वेंस में ये डेवलप किया गया है। लास्ट में जाके आपको उपनिषद, उसके बाद आएगा ब्रह्म सूत्र, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद के अंदर ही ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद का पाठ है ये ब्रह्म सूत्र, जिसको हम वेदांत कहते हैं, ये सबसे लास्ट में आएगा। जब हम ये पहले क्लास से मतलब ABCD हम नहीं सीखेंगे, हम जाके कहाँ से वहाँ, या कोई बोलेगा हमें स्टोरी लिखने के लिए बॉम्बास्टिक वर्ड दिए, हमें ये बोलेगा हम कहाँ समझ पाएंगे, ठीक है। इस सब को समझने के लिए हमें बाई प्रोसेस जाना होगा, ठीक है। लेकिन ये हिंदू धर्म को समझने के लिए, मतलब उसके ऊपर टोटल मास्टरी लाने के लिए, कम से कम एक आदमी को 15-16 साल उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 15-16 साल अगर आप मास्टरी के लिए उसके ऊपर मेहनत करोगे, तभी जाके हिंदुइज्म के ऊपर मास्टरी आपको आएगी। ये नहीं है एक किताब आपने पढ़ लिए, ये दो चार वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे, ये आपका हो गया, मतलब आप हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म के बारे में पूरा ज्ञाता बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी जाके जो एक्सट्रीम लेवल पे आप जब पहुँचोगे, तब जाके आप ये इसके ऊपर आपकी मास्टरी आएगी। क्या आम हिंदू ये सब किताब पढ़े? एक भी हिंदू कोई किताब नहीं पढ़ा, ठीक है। एक भी हिंदू इंडिया में जितने भी है, सबसे पहले किताब तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। हिंदुओं के पास किताब अवेलेबल नहीं है। नंबर ये टू है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था हिंदुइज्म का भी, इसको जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इसको तोड़ दिए। मतलब ये इस्लाम को ऑर्गेनाइज्ड रहने दिया, ठीक है, और इसको क्रिश्चियनिटी को ऑर्गेनाइज रहने दिया, लेकिन हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो चल रहे थे, मतलब हायरार्की के थ्रू ये जो चल रहे थे, इसको इन लोगों ने तोड़ दिया। किन लोगों ने? जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है। अभी इसीलिए एक आम हिंदू, मतलब वो इतना कन्फ्यूज है, ये क्या 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 है, क्या 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 नहीं है। एक ऑर्डिनरी हिंदू को इसके बारे में ABC फिलहाल के लिए नहीं मालूम, लेकिन हिंदू है हिंदू कहते हैं अपने आप को, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में 99.9% आप हिंदू लेके चलो, उनको हिंदुइज्म के बारे में नहीं मालूम। बहुत से सोचते हैं कि हिंदुइज्म एक बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल नहीं, हिंदुइज्म एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ पे हम खुदा है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर खुदा है कैसे कैसे है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे अगर है कैसा है, उन तक हम पहुँच कैसे सकते हैं, ठीक है। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि ये खुदा ने एक किताब लिख दिया, हम खुदा के ऊपर हाँ ईमान लाएंगे। ये ईमान लाने, ये हिंदुइज्म ईमान लाने की सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुदा अगर है, कौन है, कैसा है, मैं उस तक कैसे पहुँच पाऊँगा। मोटा मोटी इसका आइडिया, हिंदुइज्म का आइडिया यही है, ये मैं कैसे पहुँच पाऊँगा, इसको कहते हैं मोक्ष। खुदा कैसा दिखता है ये दर्शन के थ्रू आपको मालूम पड़ गया, और प्रोसेस ये जैसे दर्शन है, मतलब मान लो न्याय दर्शन में प्रोसेस कुछ अलग है, और ये वैशेषिक में प्रोसेस कुछ अलग है, सांख्य में प्रोसेस कुछ अलग है, फिर ये आपका योग दर्शन आ गया, उसका प्रोसेस कुछ अलग है, वेदांत में प्रोसेस अलग है, ये वेराइटी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप अगर गुजरोगे तो जाके आपको लास्ट में मोक्ष मिलेगा। ये मोटा मोटी आइडिया, मतलब मोक्ष मिलेगा मतलब खुदा तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ये है मोटा मोटी आइडिया थ्योरी। ये हम ये शंकराचार्य के ये मतलब आप लोग बोल रहे हो मुझे ये कम मतलब कम ड्यूरेशन में ये वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। जब हम फिलोसफी ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ ये छोटा छोटा वीडियो हो,
डेढ़ घंटा दो घंटा ये किसी को देखने के लिए, ना तो कोई पकड़ वगैरह किसी के सुनने के लिए उसका पेशेंस रहेगा। हाँ, वो एक्सट्रीम भक्त टाइप जो होगा वो सुनने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीम भक्त तरफ ये टाइप नहीं रहेगा तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम मैं अपना ये समअप कर दूँ वीडियो, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।